हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो रेनी सीजन में रोज़ की केयर कैसे करनी है, क्या उसमें फर्टिलाइजेशन करना है, क्या क्या केयर हम रेनी सीजन में रोज़ेस के लिए करें ताकि आने वाले विंटर्स में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो और अच्छी फ्लावरिंग मिले। फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स में आप देख रहे हैं इसी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फ्लावर्स काफ़ी छोटे हैं और मैंने इसमें डीबडिंग नहीं की है ताकि जितने फ्लावर्स निकलने हैं वो निकलते रहें। इस रेनी सीज़न में हमें ये ख्याल रखना है कि हम अपने प्लांट को ज़्यादा, एक तो पानी बहुत ज़्यादा उसमें ना पड़े, उसकी मिट्टी ज़्यादा सॉगी ना हो जाए, तो सबसे पहले उसका ड्रेनेज, आप जो भी पॉट लेते हैं उसके ड्रेनेज को आप ज़रूर चेक कर लें। सॉयल तो हमने वेल ड्रेन्ड ली है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं मेरे प्लांट की लीव्स इस तरह से ब्राउन हो जाती हैं। सभी ज़्यादातर रोज़ेस की यही कंडीशन है, कुछ मुड़ी हुई ब्राउन सी लीव्स होती हैं और फ्लावरिंग होती है लेकिन छोटी होती है, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ब्लैकिश स्पॉट्स लीव्स पे कर्ल हो जाती हैं वो, तो ये सब रेनी सीज़न की वजह से है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उन्हें। तो सबसे पहला ख्याल हमें तो ड्रेनेज सिस्टम का रखना है, हमें चेक करना है कि जो भी हमने मिट्टी यूज़ की थी वो वेल ड्रेन्ड थी और साथ ही पॉट का जो ड्रेनेज होल्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं ताकि अगर ज़्यादा पानी जा भी रहा है तो वो ड्रेन आउट हो जाए। दूसरी चीज़, हमें इस समय कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट्स में नहीं डालना है, ना ही एप्सम सॉल्ट, ना ही कंपोस्ट। कुछ दिन बस ये जो मेन बारिश का टाइम होता है फ्रेंड्स वो निकल जाए, उसके बाद हम अपने रोज़ प्लांट को ट्रीट करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिस तरह रोज़ की केयर एक ऑथेंटिक, एक अच्छे तरीके से होती है उसी तरीके से हम करेंगे, ना कि हम अपने मनमर्जी से बाकी प्लांट्स में हम फर्टिलाइजेशन दे कर रहे हैं तो इसमें भी कर दें। रोज़ेस को ये पसंद नहीं है, डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, इनकी केयर और इनको ग्रो करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रेंड। तो हम इसमें किसी भी तरह का कॉम्पोस्ट या किसी भी तरह की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। इस समय बस हमें इतना ख्याल रखना है कि हमारा प्लांट में वाटर बिल्कुल लॉग नहीं करे। दूसरी चीज़, जितनी भी डेड लीव्स हैं, डेड ट्विग्स हैं, ब्रांचेस हैं, उन्हें हमें रिमूव कर देना है। उन्हें आप पॉट में भी ना रहने दें, अगर आप पॉट में भी छोड़ देते हैं तो उससे भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो हम सारे चीज़ों का ध्यान रखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय हमें जो करनी है वो है फंजीसाइड का स्प्रे। आप फंजीसाइड, 1 ग्राम फंजीसाइड आप लें और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसे पूरे प्लांट पे अच्छे से स्प्रे कर दें ताकि इसमें फंगस ना हो और साथ ही साथ पूरे पॉट में रिम के चारों ओर भी हम फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। आप जो भी फंजीसाइड पाउडर यूज़ करते हैं, चाहे साफ़ हो चाहे बेबिस्टिन हो, जो आपको अवेलेबल हो वो आप यूज़ करें। सॉरी फ्रेंड्स, एम्बुलेंस की आवाज़ की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं इसके लिए माफ़ी मांग चाहती हूँ। तो हमें फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल वीकली करना है। हर वीक में आप 1 लीटर पानी में 1 या 2 ग्राम के करीब फंजीसाइड पाउडर को डिज़ोल्व कर लीजिए और उसे आप दीजिए और साथ ही मिट्टी में भी आप इसे ज़रूर डालें। तो मैं अपने प्लांट को ट्रीट कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वीडियो भी शेयर करूं। मैंने फंगीसाइड पाउडर और सब चीज़ें लेकर के मैं शुरू कर रही थी, तो मैंने सोचा ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा कि मैं शेयर करूं कि मैं अपने रोज़ेस की केयर इस समय रेनी सीज़न में कैसे कर रही हूँ। मैंने इधर जब से बारिश शुरू हुई है तब से मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें ऐड नहीं किया है, ना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र, ना ही किसी भी तरह का स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। जो पहले से हमारे प्लांट में फर्टिलाइज़र थे उसी से चल रहा है। बस हमें फंजीसाइड स्प्रे करते रहना है वीकली ताकि फंगस प्लांट के रूट्स को ख़राब नहीं करे।
तो मैं ये सारी डेड लीव्स हटा देती रहती हूँ वीकली बेसिस पर। जैसे ही मुझे डेड लीव्स दिखती हैं, डेड स्टेम्स दिखती हैं, तो मैं वही कर रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। फ्रेंड्स, हम रोज़ेस को ग्रो करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उनकी केयर थोड़ी अलग होती है। तो आप भी रोज़ेस के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए और ऐसे ही अपनी रोज़ की केयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे पास और ज़्यादा प्लांट्स हैं, बट मैं यहाँ अंदर, चूँकि बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं एक पॉट को लेके आई और मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे दो चार शेड में लेके आई हूँ और मैं इन्हें काम कर रही हूँ उन पर, ताकि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूँ कि इस समय रेनी सीज़न में आप रोज़ की केयर कैसे करें। बेसिकली बहुत सारे वीडियोज़ हैं रोज़ की केयर पर रेनी सीज़न में, बट रोज़ेस एक अलग ही तरीके से उनका ग्रोथ होता है, उनको ट्रीट करने का तरीका काफ़ी अलग है। तो आप अपने रोज़ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए, जो उसका एक तरीका है उसी पे चलिए और आपके रोज़ अच्छे से ग्रो होंगे विंटर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। अगर मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।